नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज हम आपको बोर्ड बनाना बताएंगे दोस्तों, जिसमें चार सॉकेट और चार स्विच का बोर्ड बनाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों इनको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला जो बोर्ड होता है इसमें इस तरीके से ये काटना पड़ता है दोस्तों। स्विच के लिए तो ये देखिए कटा कटाया आता है, और सॉकेट के लिए आपको इस तरीके से काटना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला आप सॉकेट देखिए, इसमें कहीं नहीं कटा हुआ है, तो इसको यहाँ पर ये काटना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट हम इसको काट लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। देखिए दोस्तों, एक स्विच, एक सॉकेट, एक स्विच। तो आप ये देखिए, ये तो आपका हो गया स्विच का, और ये भी आपका स्विच का हो गया, और ये भी आपका स्विच का हो गया इस तरीके से, और ये भी आपका स्विच का हो गया इस तरीके से। अब आप देखिए, ये आपका सॉकेट हो गया इस तरीके से, ये सॉकेट हो गया, और यहाँ पर सॉकेट के लिए काटेंगे, यहाँ पर सॉकेट के लिए काटेंगे, और यहाँ पर सॉकेट के लिए काटेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आप गौर से देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधा ये निशान बना होता है। ये देखिए, काटने के लिए सॉकेट लगाने के लिए ये निशान बना होता है। अगर आप इसमें टू पिन सॉकेट लगाते हैं तो इसमें नहीं काटना पड़ता दोस्तों। जैसे ये देखिए यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में बनाया था, यहाँ पर हमने स्विच रखी थी और यहाँ पर हमने सॉकेट रखी थी। ये देखिए निशान वाला दोस्तों ऊपर रहेगा, ये देखिए यहाँ पर निशान लगा है, ये ऊपर रहेगा। अब जैसे इसमें देखिए दोस्तों, ये सॉकेट लगा है, टू पिन सॉकेट के लिए नहीं काटना पड़ेगा, और आपको ये फाइव पिन सॉकेट के लिए ये काटना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर निशान बने होते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये बना है, इसको आप इस तरीके से काट लेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको काट कर भी बता देते हैं किस तरीके से आपको ये काटना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर ये आपकी सॉकेट के लिए रखा, ये स्विच हो जाएगी, ये सॉकेट, ये देखिए इस वाले को हम इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये आप चाकू से भी काट सकते हैं। देखिए, चलिए आपको हम चाकू से बता देते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें यहाँ पर हम ऐसे लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी इसको ऐसे लगा के दबा देंगे, और दबाने के बाद दोस्तों ये देखिए, इसके बाद हम ये साइड में इसको इस पीछे इस तरीके से कर देंगे। ये देखिए आप टूट गया इतना सा, तो इस तरीके से भी दोस्तों काट लेंगे। आप पहले ये देख लें आपको कितने सॉकेट लगाने, कितनी स्विच लगाने, उसी हिसाब से दोस्तों ये देखिए उसी हिसाब से इसको हम काटेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप, ये देखिए आपका कट गया इसमें दोस्तों। देखिए ये आपका सॉकेट के लिए हो गया, और ये आपका स्विच का हो गया, और ये आपका सॉकेट के लिए भी हो गया, ये स्विच के लिए भी हो गया। ये देखिए आप, ये भी आपका स्विच हो गया, और आपको हम सॉकेट, चलिए दोस्तों ये फटाफट हम ओपन कर लेते हैं। जब तक दोस्तों हम इनको ओपन कर रहे हैं तब तक आप नीचे देखिए सौरभ इलेक्ट्रिकल से लिखा होगा लाल कलर से, उस पर आप क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अभी तुरंत आप, जिससे हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगा दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो दोस्तों लाल लाल लिखा है सौरभ इलेक्ट्रिकल्स, उसको हम क्लिक करेंगे, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों साइड में बेल आइकन बनकर आएगी, उसको भी दोस्तों हम क्लिक कर लेंगे। ठीक दोस्तों, जब दोनों को हम क्लिक कर लेंगे, बेल आइकन को हम दबा लेंगे, तो जैसे ही हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों ये हमने इस तरीके से काट लिया। अब देखिए दोस्तों, ये आपके स्विच हो गई, ये आपके सॉकेट, ये स्विच, ये सॉकेट, ये स्विच, और इस जगह पर हमको सॉकेट के लिए चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको भी हम काट लेते हैं इस तरीके से। अगर दोस्तों आपके पास कटर हो तो कटर से काट लेंगे, कटर मतलब ये कटर है, ये कटर होता है, इससे हम काट लेंगे। अगर कटर नहीं है तो इसी तरीके से हम चाकू से काट लेंगे दोस्तों। चाकू तो सबके घर पर होती है, मगर दोस्तों इसको आराम से काटे, नहीं तो हाथ में लग जाए। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ही इसको अंदर दबाएंगे, उसके बाद दबाने के बाद इसको हम खुद मोड़ देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा निशान लगाया, उसके बाद इसको नीचे कर दिया, ये देखिए टूट गया दोस्तों। ठीक है, और इसको ऊपर कर लिया, ये देखिए टूट गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम आगे सब काट लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसके बाद ये आपकी स्विच हो गई, ये स्विच हो गई, और ये वाला भी आपको काटना है। चलिए दोस्तों इसको भी काट लेते हैं फटाफट। दोस्तों इसको आराम से काटें, नहीं तो ये प्लास्टिक टाइट होती है दोस्तों,
और ये आपके लग भी सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाथ में चाकू लग जाएगी इसलिए आप आराम से काटें और थोड़ा सा ही निशान कट लगाएंगे, उसके बाद इसको मोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसको नीचे दबा देंगे और नीचे के बाद इसको ऊपर दबा देंगे। टूट गया दोस्तों, अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपकी फटाफट, ये देखिए आपका ये बोर्ड इस तरीके से बनेगा। अब चलिए दोस्तों, इनमें हम ये फटाफट पेंच कस लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पेंच कस लेते हैं इसमें इस तरीके से फटाफट, इसको यहाँ पर रख कर। ये देखिए दोस्तों, ये पेंच हमने इसलिए ओपन कर लिए कि वीडियो में ओपन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, और हम आपको जल्दी फटाफट छोटे वीडियो में आपको ये बोर्ड बनाना सिखा देंगे दोस्तों, जो आप इसको आराम से अपने घर पर ही बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप ये सोचते होंगे हम चैनल सब्सक्राइब के लिए क्यों कहते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहते हैं कि जब हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगा दोस्तों। नहीं तो आप ये वीडियो देख लेंगे, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो हम अगला वीडियो डालेंगे वो वीडियो आपके पास दोस्तों नहीं पहुँच पाएगा दोस्तों, इसलिए आप चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, उसका कोई चार्ज नहीं दोस्तों, और आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। आप आराम से देखिए इस तरीके से इसको हल्का सा पकड़ के, पीछे वाले में भी हम ये छोटे वाले पेंच लगा लेंगे। ये देखिए आप, चलिए दोस्तों हमने ये फटाफट सभी के पेंच कस लिए और सॉकेट लगा लिए, स्विच लगा लिए, आपको ये भी बता दिया कैसे लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि सर हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि बटन कौन सी सीधी कौन सी उल्टी, तो आप ये देखिए ये निशान लगा होता दोस्तों, ये देखिए ये निशान लगा होता तो निशान वाला दोस्तों ऊपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नाम जो कंपनी की, जिस कंपनी की स्विच होगी उस कंपनी अपना नाम यहाँ पर लिख के देती तो वो ऊपर रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस हिसाब से हम लगा लेंगे। अब आप ये देखिए, चलिए दोस्तों हम इसमें वायरिंग करते हैं, इसको धीमे से इस तरीके से पलटाएँगे। ठीक है दोस्तों, आप ये देखिए, ये स्विच का नीचे वाला पॉइंट है ये, और ये स्विच के ऊपर वाला पॉइंट है। इसमें आप देखिए ये सॉकेट है, इसको हम इस तरीके से अभी आपको कनेक्शन करने के लिए घुमा लेते हैं, आपको हम बताएँगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए एन लिखा हुआ है, देखिए एन लिखा है, तो एन वाले से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एन वाले से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये तार के टुकड़े, ये इतने इतने बड़े तार के टुकड़े ये काट के रख लिए हैं, इसलिए रख लिए हैं जो इस बोर्ड में लगाएंगे। आप भी इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े काट लें नाप नाप कर। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं वायरिंग कैसे की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एन लिखा है, एन वाले से स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों कि ये आपका सॉकेट है, ये सॉकेट, ये सॉकेट, ये सॉकेट, तो एक तार का टुकड़ा हम लेंगे, वो इस एन वाले पर यहाँ पर हम लगा देंगे और इसको अच्छे से कस देंगे। ठीक है दोस्तों, एन वाले पे हमने यहाँ पर लगाया, और ये हम लाइन ऐसी लगाकर ऐसे यहाँ से इसको इसमें लेंगे, फिर इससे ऐसे इसमें लेंगे, इससे ऐसे इसमें लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक इसमें तार इतना बड़ा हम और जोड़ लेते हैं यहाँ पर, और इसी एन वाले पर हम फिर से लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक दोस्तों, एन वाले पर इस तरीके से, देखिए दोस्तों हमने एन वाले पर लगा लिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, और फिर हम एक इतना ये वाला टुकड़ा लेंगे दोस्तों, ये देखिए इसमें हमने जोड़ लिया इस तरीके से, ये देखिए इसमें जोड़कर फिर हम एन वाले पर ही लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, अगर दोस्तों किसी सॉकेट में ना लिखा हो एन और एल ना बना हो तो उसकी आप टेंशन ना लें, बस एक तरफ से यहाँ से चालू करें। ये याद रखें कि सॉकेट के एक हिस्से से हम चालू करेंगे। ये देखिए किनारे वाले पर लाए, फिर हम ये किनारे वाले पर लाए, अगर किसी में एन ना लिखा हो तो। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए, इसके बाद हमने फिर एक टुकड़ा लिया छोटा सा, और यहाँ पर इसको अभी हम यहाँ जोड़ लेंगे। अब तो आगे कोई सॉकेट है नहीं, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों। ये देखिए, अगर आगे दोस्तों और सॉकेट होते, अगर आगे दोस्तों और सॉकेट होते, मान लो ये इतना बड़ा है, ये आपका इतना बड़ा बोर्ड, और आपका बहुत बड़ा बोर्ड हो, खूब बड़ा बोर्ड हो, तो ये एक सॉकेट, दो सॉकेट, तीन सॉकेट, चार सॉकेट, पाँच, छः, सात, आठ, दस, बीस, कितने भी सॉकेट हों, आप इस तरफ से चालू करेंगे, एक सॉकेट के कोने पर लगाएंगे, फिर आप यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और मान लो दोस्तों यहाँ और आपके सॉकेट हों, यहाँ और लगे हों सॉकेट, तो इससे चालू करेंगे, इस सॉकेट के कोने पर लाएंगे, फिर इससे इस तरीके से आगे लगाएंगे, फिर आगे लगाएंगे, इस तरीके से लगाते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए, हमने इसमें सॉकेट के एक हिस्से पर हमने कनेक्शन कर लिया। अब आप ये देखिए, हमारा बोर्ड इस तरीके से ये सीधा है। ठीक है, हमने आपको कनेक्शन करने के लिए इस तरीके से रख के बता दिया था। ये देखिए, ये हमारा ऊपर है, इसको हम इसी तरीके से धीमे से रख लेंगे। ये देखिए, अब आप ये देखिए, आपके ये स्विच हैं, स्विच के चलो पेंच हम खोल लेते हैं दोस्तों फटाफट। ठीक है, ये देखिए,
ये स्विच के आप ऊपर वाले हिस्से पर ये देखिए एक टुकड़े को यहाँ पर लगाकर तार के पीले वाले टुकड़े को हमने ले लिया, यहाँ पर लगाएंगे इस जगह पर ऊपर वाले हिस्से पर ये देखिए। और उसके बाद इस स्विच से हम इस सॉकेट को करेंगे, तो इस सॉकेट के ही हम इस पर यहाँ पर हम लगा देंगे इस जगह पर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लगा दिया। अगर दोस्तों इस सॉकेट को हम इस स्विच से कर रहे हैं, ठीक है, इस स्विच से दोस्तों अगर इस स्विच से हम अगर इस सॉकेट को भी करें इस स्विच से, तो दोस्तों इसी से हम एक टुकड़ा लगा के यहाँ लगा देंगे। मगर नहीं दोस्तों, हम इसको इस सॉकेट को इस स्विच से करेंगे, इस सॉकेट को इस स्विच से करेंगे, इस सॉकेट को इस बटन से करेंगे और इस सॉकेट को इस बटन से करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपको और बताते हैं, इस वाले हम बटन पे, इस वाले स्विच पर हम ये देखिए इसको हमने यहाँ पर एक टुकड़ा लगा लिया तार का, ठीक है दोस्तों। और इसको लगाने के बाद इसी इस सॉकेट को हम इस बटन से कर रहे हैं, तो इसके इस पर हम एक टर्मिनल पर इसको भी हम इस तरीके से लगा देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने फटाफट लगा दिया, ये देखिए दोस्तों। और आप ये देखिए अब इस स्विच से हम इसको करेंगे, तो इसके ऊपर वाले हिस्से पर हम तार के टुकड़े को लगाकर इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लगाने के बाद इस सॉकेट के हम एक टर्मिनल पर इसको भी हम इस तरीके से लगा देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने इस पर भी लगा दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों अब आपकी ये स्विच बची है, तो इस स्विच को हम इस सॉकेट के लिए रखे हैं, तो इस पर भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों इस पर भी हमने लगा दिया दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इस पर भी हमने इसको लगा दिया। ये देखिए दोस्तों सीधा सीधा याद रखें आप कि जो सॉकेट में दो टर्मिनल होते हैं, तो एक को हम स्विच पर लाएंगे, इस पे स्विच पे देखो लाए, इस पे स्विच को लाए, इस पे स्विच पे लाए, ठीक है। और सॉकेट का उठाकर यहाँ से सॉकेट पे लाएंगे, सॉकेट का उठा के फिर सॉकेट पे लाएंगे, फिर सॉकेट का उठाकर सॉकेट पे लाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब अभी देखिए आपके सब भर गए, अभी आपके स्विच के नीचे वाले टर्मिनल ये देखिए बचे हैं, स्विच के नीचे वाले पॉइंट ये बचे हैं। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम इसमें इस तरीके से इसको हम एक तार का टुकड़ा लेंगे और इसको भी हम सीधे बढ़ाते हुए चले जाएंगे आगे तक, इस तरीके से हम इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लाए, इस स्विच से लेकर यहाँ पर लाएंगे और इस स्विच से हम आगे दूसरे स्विच पर भी ले जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से। देखिए दोस्तों कुछ नहीं होता दोस्तों, बहुत आसान होता है बोर्ड बनाना दोस्तों, जिसको नहीं आता उसको बहुत कठिन लगता है। हम दोस्तों आपको हमारे चैनल में आप बने रहिए, प्रत्येक लाइट से संबंधित जानकारी को बहुत अच्छे से बताएंगे आपको दोस्तों, हर चीज़ लाइट से संबंधित आपको बता देंगे दोस्तों, और आप अपने हाथों से स्वयं करने लगेंगे दोस्तों। ये देखिए आपका, ये देखिए दोस्तों छोटा सा तार इसमें जोड़ दिया, चलिए दोस्तों इसको हम हटा लेते हैं। इसलिए दोस्तों आप पहले से तार ना काटें, तार आप पहले से इसलिए ना काटें दोस्तों, आप पहले से तार इसलिए ना काटें। हम तो दोस्तों मान लो वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें अगर हम तार को काटेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप दोस्तों जब अपना बॉक्स बनाएं, आप अपना बोर्ड बनाएं, तब आप नाप नाप कर जैसे हम बताते जा रहे हैं आप वैसे ही काटें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसको हमने इस पर लगा दिया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये सभी स्विच को हमने लगा दिया। अब आप देखिए सीधा सीधा सरल हो गया, स्विच के नीचे वाले से हम लेंगे, तो ये देखिए स्विच के नीचे वाले पर लाएंगे, फिर स्विच के नीचे वाले पर लाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब दोस्तों ये अब आपका बोर्ड बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों इसमें हम मेन लाइन देंगे दोस्तों, जो हम इसमें करंट देंगे उसके लिए, चलिए दोस्तों हमने ये टुकड़े लिए तार के, ठीक है दोस्तों। ये देखिए तार का हमने टुकड़ा लिया है दोस्तों, ये तार का टुकड़ा ले लिया, ठीक। इसको अब हम इस बोर्ड में लाइट देंगे, इस तार से लाइट देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए ये आपका न्यूट्रल, ये फेस, दो तार होते हैं दोस्तों जो हम बोर्ड में लगाते हैं। या आप मान लो जैसे आप ये देखिए, आप ये बल्ब को देखिए, इस बल्ब में जब हम लाइट देंगे तो दो तार लेके आए दोस्तों, ये प्लग को लगाएंगे जाके तभी तो जलेगा, उसी हिसाब से हमने तार लिया दोस्तों जो हम इस बोर्ड में लाइट देंगे। अब आप ये सोचेंगे ये हम कहाँ पर लगाएं दोनों तार, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों ये आपके बटन के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये भी नीचे वाला हिस्सा, ये भी नीचे वाला, ये भी हिस्सा। तो एक तार को या तो हम यहाँ लगा दें बटन के नीचे वाले हिस्से पे, या तो यहाँ लगाएं, या तो यहाँ लगाएं, या तो यहाँ लगाएं। बटन के नीचे वाले हिस्से पे मान लो 100 बटन पड़ी हो, तो आप कहीं पर भी नीचे वाले पर ही लगाएंगे, तो या तो यहाँ लगा दें, या तो यहाँ लगा दें। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों, बटन के नीचे वाले हिस्से पर हम इसको लगा देते हैं। कहने का मतलब ये नीचे वाले का मतलब ये है कि इस जगह नहीं लगाएंगे, जो ये देखिए ये सॉकेट का हम जोड़ के रखे हैं, तो यहाँ पर नहीं, ये जो दूसरा पॉइंट है नीचे वाले पर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपको नीचे वाले पर जोड़कर कनेक्शन दे देते हैं। ये देखिए हमने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर हमने इसको तार को जोड़ दिया दोस्तों, ये देखिए
जोड़ के और आप अच्छे से कस दें दोस्तों। ये आप ये मान लीजिए कि सॉकेट स्विच की जो सॉकेट और स्विच को जो हम जो कसेंगे बहुत ही मजबूत और बहुत अच्छे से कसेंगे दोस्तों, तो वो आपके कभी भी शॉर्ट नहीं होगा दोस्तों, कभी भी आपका शॉर्ट नहीं होगा। अब आप ये देखिए आपका ये तार बचा, अब देखिए ये आपका नीला तार बचा नीला, तो अब आप देखिए ये सॉकेट का एक हिस्सा है, एक सॉकेट का ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, या तो हम इस तार को यहाँ सॉकेट पे जोड़ दें, या तो यहाँ सॉकेट पे जोड़ दें, या तो यहाँ सॉकेट पर जोड़ दें, या तो यहाँ जोड़ दें। अब दोस्तों आप कहीं भी बड़ी जोड़ सकते हैं, हम बताओ यहाँ जोड़ दें, या बताओ यहाँ जोड़ दें, या बताओ इस पे जोड़ दें। ये देखिए आप तार तो एक ही में जुड़ा चला आ रहा है, ये देखिए तो कहीं भी जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसको हम यहाँ पर जोड़ दिया अच्छे से। अब आप ये देखिए दोस्तों आपका ये बोर्ड बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए दोस्तों ये आपके बोर्ड के नीचे वाला, यहाँ पर हम इतना सा थोड़ा सा कट मार लेंगे जो हमारे तार यहाँ पर इस तरीके से निकल आए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये देखिए हम आपको बोर्ड को कसते हैं, ये आप पेंच आप कस लें, अगर हम पेंच कसेंगे तो दोस्तों बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप ये देखिए ये आपका बोर्ड दोस्तों बनकर तैयार हो गया इस तरीके से, ये देखिए आपका बिल्कुल सीधा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। अब आप ये देखिए ये एक बोर्ड है दोस्तों, इस बोर्ड में लाइट है, इस बोर्ड में दोस्तों लाइट है, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों आपने ये जो कनेक्शन दिए हैं, ये देखिए आप, ये आपका बल्ब है और ये बल्ब का तार है, ये देखिए ये बोर्ड में लाइट है, अपने जो आपने बोर्ड बनाया है इस बोर्ड का हम इसमें कनेक्शन देंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें हम तार को ये देखिए दोनों तार को इसमें हम ये लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये तारों को हमने लगा दिया, इस बोर्ड में हमारे लाइट आ गई। अब आप ये देखिए दोस्तों इस स्विच से हमने इसको किया था, तो ये देखिए आप, ये देखिए बल्ब जला, ठीक है। हम ये देखिए इस स्विच से किया था इसको, ये देखिए इसको हम लगा दें, ये देखिए ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप इस पर आइए, आपको हम सभी सॉकेटों को चेक करके दिखाते हैं, ये देखिए इस पर हमने लगाया और ये देखिए चालू किया इसको अच्छे से। ये भी दोस्तों नए सॉकेट हैं, तो इसमें जब हम प्लग लगाएंगे तो थोड़ा अच्छे से लगाएं जो पूरा अंदर तक चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब आप ये देखिए दोस्तों, ये वाला भी आपका तैयार है और ये वाला भी तैयार है, ये देखिए दोस्तों सब आपके सॉकेट तैयार हैं और सभी आपके स्विच से हैं। ये देखिए ये इससे है, ये वाला सॉकेट इस स्विच से है, ये वाला सॉकेट इस स्विच से है, ये वाला सॉकेट इस स्विच से है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए सभी हमने बंद कर दिए हैं, तो किसी में भी हम लगाएंगे, ये देखिए नहीं चलेगा, ये देखिए बल्ब नहीं जल रहा आपका, ये देखिए नहीं जल रहा। अब हम आपके सभी चालू कर देंगे, ये देखिए अब आप देखिए, ये देखिए जला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों अब आप स्वयं अपने हाथों से ये बोर्ड को बना लेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और लाइट से संबंधित जानकारी को सीखते रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।